हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ट्राइगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट, जो कि हमें एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। उस एमसीक्यू सीरीज में मैं दो पार्ट आपको दे चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आज हम थर्ड सीरीज की बात करेंगे। थर्ड सीरीज में आपके जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज थी। अब इन सीरीज का जो थर्ड पार्ट है उसे देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है 21वां। ठीक है, 20 तक मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए थे, इसमें जो है 21 से स्टार्ट होने वाले हैं, 21 से स्टार्ट होंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। पहला क्वेश्चन है कि ए कॉस थीटा बी प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम है। ओके, तो देखें ए कॉस थीटा, यहाँ पर आपको ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए साइन थीटा b cos theta is equal to n दिख रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों पार्टों का होल स्क्वायर करने वाला हूं। देखिए, तो मैंने इस पार्ट का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, प्लस मैंने इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर किया तो ये हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पर हो गया प्लस 2ab, तो मैंने यहां पर 2ab और लिखा 2ab cos थीटा sin थीटा। ओके, ये हो गया और इज इक्वल टू में होगा आपका एम स्क्वायर। सेकेंडरी पार्ट जो है मेरे पास वो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर आपको मिला माइनस 2ab कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, इक्वल में आपको मिला एन स्क्वायर। क्लियर, ये वैल्यू हो गई। अब हमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, इन दोनों पार्टों को जोड़ने पर। ओके, तो जोड़ देते हैं। देखें, जब मैंने यहां से देखा इन दोनों को जोड़ा तो ए स्क्वायर कॉमन मिला और यहां पर मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से मुझे मिला बी स्क्वायर कॉमन, यहां से तो सेम वही प्रोसेस, यहां पर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे यहां मिलेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो देखें ये आइडेंटिटी होती है वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देख लीजिए आपका कौन सा वाला आंसर सही है, इसमें आपका आंसर जो है वो सही है डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैं इसे करा चुका था, फिर भी मैं इसे कर देता हूं सॉल्व। इसमें देखिए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है वन। ठीक है, मैंने यहां पर किया कॉस ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये गिविन है आपको। क्या है ये कंडीशन, गिविन है। जब ये कंडीशन आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, ये इसकी कंडीशन बतानी है आपको कि क्या वैल्यू होगी इसकी। ओके, तो मैं यहां पर करने क्या वाला हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसे मैं ऐसे करने वाला हूं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिल रही थी, कॉस, तो मैं यहां पर कॉस रख दूंगा इसमें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू क्या बनी आपकी, वन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 23 में देखिए आपको करना यह है कि एक्स स्क्वायर, पहले यानी एक्स का स्क्वायर चाहिए और वाई का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक्स वाले पार्ट में आपको ए का डिनोमिनेटर में देख लीजिए ए स्क्वायर चाहिए, यहां पर आपको बी स्क्वायर चाहिए। तो मैं करने क्या वाला हूं, इस वाले पार्ट का स्क्वायर इस और इस वाले पार्ट का स्क्वायर करने वाला हूं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ओके, ये वाली बात मिली। यहां पर आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा थीटा, और यहां पर मिलेगा साइन स्क्वायर फाई, ये वाली बात मिलेगी। अब हम लगे आज जेड वाला पार्ट को भी स्क्वायर कर लेते हैं, ये वाला। तो देखे जेड वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पर मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देख लेते हैं यहां पर, इसके अपॉन में मुझे चाहिए क्या ए स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर से यहां पर डिवाइड किया, और इसमें जब मैं ए स्क्वायर से डिवाइड करूंगा यहां पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर मैं यहां पर करूंगा बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से यानी यहां पर डिवाइड दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, दोनों पार्ट कैंसिल आउट हुए। मैंने यहां पर क्या किया, सी स्क्वायर से डिवाइड दे लिया और यहां पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले ली।
tan square theta is equal to आपको क्या मिला, z square अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो देखे इन दोनों पार्टों को आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इन दोनों पार्टों को ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया है इस वाले पार्ट से, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेक था तो मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया वन, सॉरी फाइव है यहाँ पर, थीटा नहीं है, फाइव है ये, तो ये तो हो गया वन, तो जो वन हुआ वो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। अब हम जानते हैं वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो टेन स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू मिली है बाई थर्ड, तो आपको वैल्यू मिलेगी वन प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 क्या कह रहा है आपके पास, देखिए ये आपकी कंडीशन एक दे रखी है, जब आपको ये कंडीशन दे रखी है तो आप इस कंडीशन को देख लीजिए, यहाँ पर है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, और आपको ए साइन थीटा प्लस बी साइन बी कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयर कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मैंने किया इसका ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा सी, तो देखिए इधर स्क्वायर हो गया, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया है और इधर भी स्क्वायर कर दिया है। ओके, तो मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया है तो इसे लिखूंगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, यहां पर देखिए मैंने क्या किया, ए स्क्वायर मैंने इस वाले पार्ट को तोड़ लिया है, किसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। क्यों तोड़ा है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बी और यहां पर इसको कर दिया है बी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और इस वाले पार्ट को मैंने पहुंचा दिया इधर माइनस टू ए बी कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो वैल्यू है उसमें ए के साथ साइन दिखाना है हमें, तो यहां पर ए के साथ साइन जब आएगा जब मैं इसे कॉस को साइन में चेंज कर लूंगा, इस वजह से मैंने इन दोनों प्रॉपर्टियों को चेंज किया है। तो यहां पर आप देखेंगे ए माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पर मिला सी स्क्वायर माइनस टू ए बी और कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर, अब क्या करूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साइड कर लिया और इन सारे सभी पार्टों को मैंने इधर कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये तो एक आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी की, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर आप हटाएंगे तो यहां पर आपका अंडर रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो यही वैल्यू आपको बतानी थी। तो आपका आंसर देख लीजिए कौन सा सही है, आप देख लीजिए सी माइनस का माइनस वाला सही है, जिसमें माइनस सी हो, तो ये बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 वेरी सिंपल। देखिए इसका आंसर तो 9 आने वाला है भाई, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्यों आने वाला है, 9 आप कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है जिसे 1 कहते हैं, क्या कहते हैं 1, तो 9 का इंटू 1 में करेंगे तो आपका क्या आएगा 9 आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 चल लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करने वाले हैं, tan को एक्सपेंड कर दीजिएगा आप, tan को एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस tan हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और यहां पर आपका होगा 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर, ये वाला बात आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए आपके पास है 1 प्लस cos थीटा को खोलिए आप cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, cos थीटा ये हो गया और cosec थीटा को खोलिए 1 अपॉन sin थीटा, ये हो गया। ओके, दोनों पार्ट आपने कर लिए हैं, अब आपको करना क्या है, इनका एलसीएम ले लेना है, तो यहां पर आएगा cos थीटा। ओके, यहां पर हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और यहां पर हो जाएगा प्लस का 1, cos से cos कैंसिल आउट होगा 1 हो जाएगा। ओके, यहां पर आप देख लीजिए यहां पर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और यहां माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ओके, ये वाली बात आप बोलिए, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें इसे थोड़ी देर के लिए ए कह दीजिए आप और इसे कह दीजिए बी,
बी, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहां पर ए स्क्वायर होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर होगा माइनस वन, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाली बात हो गई। जब मैंने इसे एक्सपेंड किया तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस टू साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए जब मैंने इस वाली बात को क्या किया, देखें यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये वाली बात देखिए, यहां पर आपको क्या लिख रहा है, ये क्या होता है वन, ओके, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, तो वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, ये हो गया माइनस वन और कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, तो आपका आंसर जो आया वो रहेगा टू, टू रहेगा आपका आंसर, क्या रहेगा टू, टू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि सी, सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 27, 27 में करना क्या आपको, बहुत ही आसान है, वन अपॉन कॉस कर लेना है, यहां पर हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो इस तरीके से पार्ट हो जाएगा, ओके, यहां पर आपको आएगा वन माइनस साइन थीटा, इसे ऐसे कैसे रहने देना, कोई चेंज नहीं करना है, यहां पर आपको मिलेगा कॉस थीटा, यहां पर होगा वन प्लस साइन थीटा, और यहां पर आपको मिल जाएगा वन माइनस साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ओके, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यानी कि आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका आंसर रहने वाला है, तो कॉस यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखें वन प्लस, मैं इसे एक्सपेंड करने वाला हूं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि और कॉस स्क्वायर थीटा, ए को मैंने थीटा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, यहां पर देखिए यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये वाली बात मैंने लिखा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लीजिए, और इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो रहेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सीरीज के तौर पर मिल चुके हैं, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए और इनके टाइप के अपने रिफ्रेशर से क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को हल होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आप 100% सॉल्व करके आएंगे उन क्वेश्चनों को और उन्हें आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ठीक है, आपको इसी तरीके से हमारे चैनल पर सीरीज मिलती रहेंगी, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।